अलीगंज स्थित महेंद्र मैदान में सेना के दो दिवसीय मेले का शुक्रवार को आगाज हो गया। कमांडो ने आतंकवादियों से मुठभेड़ का डेमो दिखाकर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। मेले में अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी को लेकर स्कूली बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। युवाओं ने हथियारों और जवानों के साथ खूब सेल्फी ली। मेले में जुटे युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने बताया कि मेला लगाने का मकसद सेना के प्रति लोगों में अनुकूल दृष्टिकोण बनाने और युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल हम लोग यह जानकारी जो यहाँ के रहने वाले बंदे हैं सिविलियन से उनको आकर्षित करने के लिए लगाया हुआ है ताकि वो फौज में भर्ती हो सके। ये एक मेडिकल कैंप की तरफ से लगाया हुआ सेटिंग है जो कि साथ में एक कंटेनर ओटी लगाया हुआ है और साथ में ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेशन होने के बाद जो पेशेंट रखा जाता है उसके लिए एक वार्ड लगाया हुआ है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं साथ में आर्टिफिशियल डिफाइब्रिलेटर और एक डमी रखा हुआ है जो कि कोई मरीज अगर दिल की धड़कन रुक जाती है तो ये मशीन से हम उसको झटका दे सकते हैं। ये यानी सारे जितने भी सुविधाएं ये लड़ाई के दौरान सारे मशीनें हमारे पास उपलब्ध रहती है। एक्चुअली ये कंट्रेसिव ओटी है, इसको हम 2 घंटे के अंदर कहीं पे भी, कहीं पहाड़ के पीछे, कहीं पे जंगल में भी इसको लेआउट कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर विद 6 मैन पावर। इसमें सुविधा ये है, इसको 2 घंटे के अंदर हम ट्रांसफ़र करने के बाद आराम से इसको 2 घंटे के अंदर खोल के रेडी करके रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लाइफ सेविंग सर्जरी होता है। सेना के जवानों ने प्रत्येक हथियार की मारक क्षमता और खूबी के बारे में विस्तार से बताया। सेना की संचार सुविधा, चिकित्सा सुविधा प्रदर्शित करने को कैंप लगाए गए थे। तीसरे पहर तक मेला खचाखच भरा रहा था। इस मेले का समापन शनिवार शाम को होगा। ये है HSTI हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। ये थर्मल इमेज के आधार पर काम करता है, हॉट चीज है इसको पकड़ लेता है। अगर बर्फीला इलाका में इसको हम देखते हैं तो इसको हॉट ब्लैक हॉट करके इस चीज़ को देखते हैं ताकि कोई भी चीज़ मूवमेंट होता है उसको हमको पता चल जाता है। मिनिमम हमको 50 मीटर, मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक की दूरी को पता करते हैं, चाहे व्हीकल है, चाहे जानवर है, चाहे कोई इंसान है, उसको पकड़ने के लिए इसमें हम देखते हैं। ये 1.22 mm हाउडजर गन है जिसकी मैक्सिमम रेंज 15,300 मीटर है। इसकी मारक क्षमता बहुत ही अच्छी है जो कि लो एंगल और हाई एंगल दोनों में फायर करती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारे देश के वीर जवानों के वीरता के किस्से हर रोज हम अखबारों और टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं, लेकिन आज इस मेले के रूप में हमने आपके सामने उन औजारों को, उन तोपों को, उन हॉस्पिटल को और उन वीर जवानों के ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आपके सामने रखा जो अपने आप में कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ हैं। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ मैं संध्या सेमवाल, संवाद 365।